अब अगर हम फोटोसिंथेसिस का सेकेंड कंपोनेंट देखें या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें तो क्या रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लोरोफिल सनलाइट, इससे क्या बनता है हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब यहां पे हमने ये पहला कंपोनेंट कर लिया, क्या है क्लोरोफिल। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चाहिए हमको, क्लोरोफिल के पास चाहिए। किसके पास चाहिए, क्लोरोफिल के पास चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आने वाला जो पार्ट है लीव्स के अंदर उसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा लीफ का वो पार्ट है जो गैसेस का एक्सचेंज करता है। किसका एक्सचेंज करता है, गैसेस का एक्सचेंज। जैसे हमारा नोज है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बॉडी से बाहर निकालता है, बाहर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो ये हमारा गैसेस ऑर्गन हो गया नोज, कि जो हमारा क्या कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज। तो ऐसे ही लीव्स के अंदर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स। किसको बोलते हैं स्टोमेटा, इस तरीके के दो गार्ड सेल्स होते हैं, इसके अंदर ये जो पोर है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और इसके बाहर जो सेल्स है उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स का क्या काम होता है, गार्ड सेल्स इस पोर को, ये जो छोटा सा पोर है जो गैसेस का एक्सचेंज करता है, इसको रेगुलेट करता है। इसको क्या करता है, रेगुलेट। गार्ड सेल ही डिसाइड करता है कि स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा, मतलब वो पोर जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा। अब गार्ड सेल्स ये काम कैसे करते हैं, गार्ड सेल्स ये काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉटर। किसके हेल्प से काम करते हैं, वॉटर। अगर मान लो ये हमारा हाथ है, अगर ये सेल्स बिल्कुल इस तरीके से हैं, इनके अंदर पानी नहीं है तो सेल्स बिल्कुल पास हैं, तो यहां पे ये पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया। पोर क्या हो गया, क्लोज। जैसे जैसे इनमें पानी भरता जाएगा, इनका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बीच में पोर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये जो दो मेरी हथेलियां हैं, ये क्या है, गार्ड सेल्स है। क्या है, गार्ड सेल्स। और इनके दोनों हथेलियों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अगर हाथ के अंदर पानी का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा तो ये क्या करता जाएगा, पोर के साइज को इंक्रीज करता जाएगा। जैसे ही पोर का साइज इंक्रीज होगा, गैसेस का एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा, और गैसेस का एक्सचेंज तब तक चलेगा जब तक ये स्टोमेटा ओपन है। जैसे ही ये यहां पे पानी कम हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज। ये स्टोमेटा क्लोज है, ये स्टोमेटा ओपन है, ये स्टोमेटा क्लोज ओपन। ये दोनों हाथ क्या है मेरे, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स दो मिले, स्टोमेटा बनाया। अभी स्टोमेटा क्या है, पोर है, पोर नहीं दिख रहा कहीं पे, तो ये क्या है, क्लोज है। पोर दिख रहा है तो ये क्या है, ओपन है। तो ये क्या करता है, जो सेकेंड रॉ मटेरियल है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको प्रोवाइड कराता है। इसको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। थर्ड जो रॉ मटेरियल, दैट इज वॉटर। क्या है, वॉटर या पानी। अब हमें पता है प्लांट पानी कहां से लेता है, रूट से लेता है। तो रूट के अंदर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे रूट से, पानी से, रूट के अंदर जो है पानी के अंदर डिजोल्व होके प्लांट के अंदर आते हैं। और ये कौन से टिश्यू से ट्रांसफर होता है, थ्रू द जाइलम। कौन से टिश्यू से ट्रांसफर होता है, थ्रू जाइलम। तो जाइलम के थ्रू ये पानी कहाँ चला जाता है, लीव्स के पास चला जाता है, और हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए तीनों कंपोनेंट्स जुड़ गए। क्लोरोफिल लीव्स के पास प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर किसके थ्रू आया, रूट्स के थ्रू। तो ये तीन चीजें क्या है, हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। तो एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 2 यही पूछ रहा है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीजें इन्वायरमेंट के अंदर जरूरी है या प्लांट के अंदर जरूरी है। पहली चीज जो जरूरी है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब अभी हमने कहा था, जो भी एनर्जी का सोर्स है वो किसके थ्रू आता है, कार्बन के सोर्स से आता है। और थर्ड इज वाटर, क्योंकि यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होनी है। कौन सी रिएक्शन होनी है, रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
और रिडॉक्स रिएक्शन एक सिंगल मॉलिक्यूल की नहीं हो सकती है, तो वाटर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें स्टोमेटा से मिलता है और वाटर हमें रूट से मिलता है। अब हम करेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस।